नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती मरीज चंद सांसों के लिए तरस रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच छतरपुर में जमाखोरी की खबरें भी सामने आ रही है। प्रशासन ने यहां एक गोदाम पर छापा मारकर ऑक्सीजन के 83 सिलेंडरों को जब्त किया है, जो कालाबाजारी के लिए रखे गए थे। प्रशासन को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास प्रभात ट्रेडिंग कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रही है, जिसके बाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के आदेश पर प्रशासन की टीम ने प्रभात ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर छापा मारा। और फिर जब गोदाम संचालक प्रभात चंदोरेशिया को बुलाया गया, तो उसने कहा कि मैं यूपी आया हुआ हूं, अभी नहीं आ सकता। लेकिन जब प्रशासन ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करवाई, तो लोकेशन छतरपुर शहर से ही निकले। उसके बाद प्रशासन ने गोदाम के ताले तोड़वाकर छापा मारा, तो अंदर 83 सिलेंडर रखे हुए थे। इनमें से 50 सिलेंडरों में ऑक्सीजन भी भरी हुई थी। फिलहाल प्रशासन ने सारे सिलेंडर जब्त कर कलेक्ट्रेट में रखवा दिए हैं, और अब जांच के बाद ये सारे सिलेंडर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के काम आएंगे। आपको बता दें कि छतरपुर शहर सहित पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। छतरपुर में भी प्रशासन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। प्राइवेट कंपनी से भी ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जमाखोरी और कालाबाजारी में लगे हैं। प्रशासन को अंदेशा था कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रशासन को जानकारी लगी कि प्रभात ट्रेडिंग कंपनी के पास सिलेंडर भरी मात्रा में रखे हुए हैं। उसके बाद एडीएम और नायब तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने गोदाम पर छापा मारा। इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में सभी को सहयोग करना चाहिए। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सभी लोग आगे आए और ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाएं। लेकिन फिर भी इस आपदा की घड़ी में कुछ लोग हैं जो अवसर की तलाश कर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। गोदाम को सील कर दिया गया है फिलहाल, और जांच के बाद संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।